इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन? दोस्तों आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आपने जिंदगी में कभी एक बार महसूस किया है कि आप जिस तरह से देखते हैं आपकी जिंदगी उसी तरीके से बन जाती है, मतलब अगर आप अगर आप अच्छा सोचेंगे तो आपकी ज़िंदगी भी अच्छी होगी, और अगर आप बुरा सोचेंगे तो आपकी ज़िंदगी में भी कुछ ना कुछ बुरा हो ही जाएगा। तो दोस्तों इस बात को समझाने के लिए मैं आपको एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। ये बहुत छोटी है, इसको ध्यान से सुनिएगा। एक बार की एक बात है दोस्तों, स्कूल का एक अध्यापक क्लासरूम में जाते ही अपने बच्चों से कहता है कि भाई आज तो सरप्राइज टेस्ट होगा। अब सब बच्चे सरप्राइज टेस्ट के नाम से घबरा ही जाते हैं। वो अध्यापक सबको क्वेश्चन पेपर बांटता है। क्वेश्चन पेपर मिलने के बाद सारे बच्चे बहुत चौंक जाते हैं, क्योंकि उनमें कुछ भी नहीं लिखा होता है, सिर्फ एक बीच में काला सा बिंदु होता है। अच्छा, अध्यापक जी उनको कहते हैं कि भैया अब इस क्वेश्चन पेपर में जो भी आपको दिखाई देता है उसके बारे में लिखिए, और 10 मिनट का टाइम देते हैं। 10 मिनट के बाद अध्यापक उनसे सारी सीटें को कलेक्ट कर लेते हैं। दोस्तों उस अध्यापक ने अपने बच्चों को बताया वो पेपर होने के बाद कि ये क्वेश्चन पेपर उन्होंने किसी नंबर के तहत नहीं किया, ये उनने इसलिए किया ताकि उन बच्चों का नजरिया देख सकें। सभी बच्चों ने सफ़ेद कागज़ के बीच में जो काला बिंदु था उसी बिंदु के बारे में लिखा, किसी भी बच्चे ने उस सफ़ेद कागज़ के बारे में कुछ भी नहीं लिखा। और यही चीज़ वो बताना चाहते थे कि ये सफ़ेद कागज़ ही हमारे जीवन का वो सुख और वो आनंद होता है जिसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं। और दोस्तों उन्होंने ये भी बताया कि सफ़ेद कागज़ में जो काला बिंदु है वो हमारे जीवन में दुख, लालच, ईसा, मनमुटाव इस चीज़ को लेकर होता है, जिसको हम हमेशा उसी चीज़ को देखते हैं। इसलिए हम अपने जीवन में अपने परिवार के साथ में, अपने दोस्तों के साथ बिताए हुए अच्छे पलों को भूल जाते हैं, और सिर्फ छोटे मोटे मनमुटाव को लेकर बैठ जाते हैं, जबकि हम वो सफ़ेद कागज़ को, हम बाकी के कागज़ को, सफ़ेद कागज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं जो दुख और आनंद से भरा हुआ है। दोस्तों इस स्टोरी से मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि अगर आप आज भी उस सफ़ेद कागज़ में बच्चों की तरह वो काले बिंदु को देख रहे हैं तो अपना ध्यान वहाँ से हटाइए और वो सफ़ेद कागज़ के बाकी के हिस्सों को देखिए, वो समय देखिए जो आपने अपने परिवार के साथ बिताया है, अच्छे पल को ध्यान रखिए, वो समय बताइए जहाँ पे आपने अच्छी चीज़ें की हैं, जहाँ पे आपको लाभ मिला है, उस समय के बारे में याद रखिए। हो सकता है कि जीवन में थोड़ा सा दुख कम हो जाए। तो इस स्टोरी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों दिवाली के इस पावन अवसर पर सभी को मेरे हार्दिक शुभकामनाएं, धन्यवाद। क्योंकि जो लोग मुझे जानते हैं ऐसा एशिया टेलीकॉम या फिर स्मार्ट डेवलपर, मैं बताना चाहता हूं कि ये है मेरी मोबाइल सॉफ्टवेयर फ्लैशिंग की बुक, और ये अब आ चुकी है और ये मार्केट में बहुत जल्दी लॉन्च होने वाली है दोस्तों। तो इस बुक को अगर आपको परचेस करना है तो आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो आप इस पर देख लीजिएगा, कहीं ना कहीं मैंने इसकी परचेस लिंक इस वीडियो में जरूर डाली होगी। बाकी अब इस बुक को अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, हर जगह से आप इस बुक को खरीद सकते हैं। आईफोन को कैसे फ्लैश करते हैं, इसमें सोनी, ब्लैकबेरी, ऑसस, MI, Xiaomi, Samsung और MediaTek के या Qualcomm के ड्राइवर कैसे चलाते हैं, सारी इसमें जानकारी चित्र के साथ दी हुई है। काफ़ी अच्छी बुक है और काफ़ी सस्ती है, इसको आप परचेस कर सकते हैं। And ISO 9001 and 2008 Certify Institute, Asia Telecom, Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description.